वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम देखने वाले हैं हाउ टू ऐड और सब्ट्रैक्ट इंटीजर्स। और इसके अंदर तीन बेसिक रूल हैं जिसको हम क्वेश्चंस के साथ देखते हैं। सबसे पहला हमारा क्वेश्चन आता है 35 माइनस 20। ओके, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है 35 माइनस 20, जिसके अंदर हम सबसे पहला स्टेप है ब्रैकेट ओपन करना। तो यहाँ पर ब्रैकेट ओपन करना बहुत ही आसान है, ये तो ब्रैकेट में है ही नहीं, 35 का 35, ये माइनस, और अंदर अगर कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर होगा प्लस। सो माइनस प्लस माइनस, सो माइनस 20। सो स्टेप नंबर टू आता है, स्टेप नंबर टू है, इसको सॉल्व करना है, प्लस माइनस इज माइनस, तो हमें माइनस करना है, वी हैव टू डू माइनस, प्लस माइनस इज माइनस, वी हैव टू डू। सो 35 माइनस 20 इज 5 एंड 1। ओके, बिफोर स्टॉपिंग हेयर देर इज़ वन लास्ट रूल। ओके, विच नंबर इज बिगर, 35 और 20? सो 35 इज बिगर एंड 35 इज पॉजिटिव, सो वी विल टेक पॉजिटिव ओवर हेयर। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -15 माइनस -20। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन फर्स्ट स्टेप इज अगेन ओपन द ब्रैकेट्स। सो हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, इस ब्रैकेट के बाहर पॉजिटिव है, अगर कुछ नहीं है तो पॉजिटिव, हमेशा लेफ्ट टू राइट हमें देखना होता है। पॉजिटिव इनटू नेगेटिव इज नेगेटिव 15, ठीक है, और यहाँ पे माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, सो प्लस 18। सो यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब हमारा सेकंड रूल आता है इसको सॉल्व करने का। फर्स्ट रूल इज़ ब्रैकेट ओपन करना, सेकंड रूल इज़ सॉल्व करना। माइनस प्लस इज माइनस, वी हैव टू डू माइनस, तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ 18 माइनस 15 इज़ व्हाट 3। ओके, सो वी विल राइट 3, बट पॉजिटिव 3 और नेगेटिव 3, व्हाट साइन वी हैव टू टेक, ऑलवेज रिमेंबर रिस्पेक्ट एल्डर्स। सो 15 बड़ा है या 18 बड़ा, सो वे नो 18 बड़ा है, 18 का साइन कौन सा है, पॉजिटिव, तो यहाँ पर आ जाएगा पॉजिटिव 3। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है -23 माइनस -12। सो स्टेप नंबर वन, यस यू राइट, ओपन द ब्रैकेट। तो हम ओपन करेंगे ब्रैकेट, -23 माइनस माइनस प्लस। सो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन जब मैं स्टूडेंट था तब भी बहुत होती थी कि सर कब करना है प्लस और कब एक्चुअली में लिखना है। तो रिमेंबर स्टेप नंबर वन इज़ ओपन द ब्रैकेट, ओपन द ब्रैकेट जो आप बोलते हो, माइनस माइनस प्लस लिखना है। ओके, इन स्टेप नंबर वन लिखना है, स्टेप नंबर टू सॉल्व करते समय सॉल्व करना है, लाइक माइनस प्लस इज माइनस, तो यहाँ पे मुझे सॉल्व करना है, तो 23 माइनस 12 इज़ व्हाट 1 एंड 1, आंसर इज 11, एंड ये मैंने सॉल्व कर दिया। थर्ड स्टेप इज़ मुझे इन दोनों में से जो बड़ा है उसकी रिस्पेक्ट करनी है, 12 और 23, कौन बड़ा है, 23 बड़ा है, और उसके आगे कौन सा निशान है, माइनस नेगेटिव, सो यहाँ पर आ जाएगा -11। सो आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, इसके अंदर मैंने तीन टर्म्स ली हैं, तो तीन या चार टर्म्स भी हो सकती हैं इसके अंदर, तो मैं दिखाना चाहता हूँ कि तीन टर्म्स हो या चार टर्म्स हो तो कैसे सॉल्व करना है। तो घबराने की बात नहीं है, स्टेप नंबर वन इज़ ओपन द ब्रैकेट, ये आपको पता है। सो माइनस पहला टर्म है, आगे क्या है प्लस, वी नो दिस थिंग, पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं, प्लस माइनस -7, वी हैव टू राइट इट, माइनस और अंदर क्या है, कुछ नहीं है तो प्लस है, सो माइनस प्लस -8। ओके, एंड माइनस माइनस इज व्हाट प्लस, तो देख रहे हैं आप कि मैं लिख रहा हूँ इस समय, बिकॉज ये मेरा फर्स्ट स्टेप है, स्टेप नंबर वन है ओपन द ब्रैकेट। अब स्टेप नंबर टू आएगा सॉल्व इट, सॉल्व करते समय हम पहले दो टर्म्स को ही करते हैं, बिकॉज अभी तो हम सीखे हैं दो दो टर्म्स का। ओके, वी हैव सॉल्व टू टर्म्स एट अ टाइम, सो वी कैन सॉल्व टू टर्म्स, लेटर ऑन जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप इकट्ठा भी कर सकते हैं। यहाँ पे पहले दो टर्म्स को करते हैं, माइनस माइनस इज व्हाट प्लस,
सो यू हैव टू डू प्लस 7 + 8 = 15, सो राइट 15, ओके। इन दोनों में से कौन बड़ा है, 7 बड़ा या 8 बड़ा? 8। सो कुछ बच्चे बोलते सर 25 बड़ा। हमने सॉल्व 7 और 8 करा है तो हमें 7 और 8 ही देखना होगा। 7 और 8 में से कौन बड़ा, 8 बड़ा, उसके आगे कौन सा सिंबल है, माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस 15 और ये 25 एज इट इज़ आ जाएगा इसके साथ सॉल्व होने के लिए। सॉरी, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, माइनस प्लस इज माइनस, सो हम अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, 25 माइनस 15 इज 10। सो इन दोनों में से कौन बड़ा है, अब 25 बड़ा है, तो आंसर आ जाएगा प्लस 10। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। सो ऐसी और भी वीडियोस बनाते रहेंगे, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल टू गेट द लेटेस्ट वीडियोस। एंड कोई भी अगर क्वेश्चन में डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, कोशिश करेंगे उसके ऊपर वीडियो बनाने की। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।